हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है निशा फूड स्पेशल में आप सभी का। और आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न्स का एक बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स, जिसको खाने के बाद आप अपने हाथों की उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि कैसे बनेगा ये कॉर्न्स का स्नैक्स। आज हम बनाएंगे चीजी कॉर्न्स। चीजी कॉर्न्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए कॉर्न्स। मैंने यहाँ पर कॉर्न्स का एक पैकेट लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है चीज, अमूल चीज यूज कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लिया है बटर, अमूल बटर ले रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है अनियन, कैप्सिकम और टमाटो। और यहाँ पर मेरे पास एक कुलचा रखा हुआ था जिसको मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी, इसमें यूज करूंगी। मैं बताऊंगी किस तरीके से इसका हमें इस्तेमाल करना है। और हमने लिया है मेयोनीज, यहाँ पर ले रहे हैं रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस। तो आइए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बनाना। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पतीले में नमक डाला है मैंने, और इसको हम बेक करेंगे इस पतीले में ही। तो आइए चलिए शुरू करते हैं चीजी कॉर्न बनाना। सबसे पहले तो हम इस कुलचे को लेंगे और इसको हमने बिल्कुल क्रश कर देना है, इस तरीके से इसका चूरा कर देना है हमें बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें इस तरीके का एक बर्तन लेना है जिसमें हम बेक कर सकें, और बटर लेना है। ये जो बटर हमने लिया था इसको हम इसके अंदर डालेंगे, अच्छे से लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। बटर की बहुत अच्छी लेयर लगानी है हमने इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कितने अच्छे से मक्खन से, बटर से इसको ग्रीस कर लिया है। देखिए अच्छे से चारों तरफ से हमने इसको ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे इसकी लेयर इस तरीके से। इस तरीके से हमने एक लेयर बिछा देनी है इस पे। बहुत ही पतली लेयर हमें इस पे बिछानी है, हमें इसको बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना है। एक जो कुलचा है वो काफी होता है इसके लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक लेयर लगा ली है इसकी। अब जो है हमें इसके ऊपर लगाना है मेयोनीज। अब हम इस पे डालेंगे मेयोनीज। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न्स। अब हमें इस पे कॉर्न्स की लेयर बिछानी है। अब हम इसमें डालेंगे चीज। चीज की लेयर हमें अच्छे से लगानी है और इक्वल लगानी है। हम इसको चारों कोनों से अच्छे से प्रेस कर देंगे। देखिए हमने चीज डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। अब हम इसमें डालेंगे जो भी वेजेस हमने काटी थी, अनियन। एक लेयर हम अनियन की देंगे पहले। अभी हम देंगे टमाटो। अब हम डालेंगे कैप्सिकम। अब हम इसमें डालेंगे ये जो थोड़ा सा हमारा कुलचा बच गया है, अब हम इसको इसके ऊपर डाल देते हैं। और डाल देंगे कॉर्न्स। देखिए हमने इस पे कॉर्न्स डाल दिए हैं। अब जो हमारा इस पे डलेगा वो है चिली फ्लेक्स। हम इसके ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स। मुझे चिली फ्लेक्स बहुत पसंद है, तो मैं इसमें चिली फ्लेक्स का यूज इस तरह की किसी भी डिश में जरूर करती हूँ। और गैनो फ्लेक्स। अब हम दोबारा से इस पे चीज अप्लाई करेंगे इस तरीके से।
हम इसको एक बार डैप कर देते हैं, इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं इस तरीके से। हम इसको प्रेस कर देंगे और इस पे चीज़ अप्लाई करेंगे। अगर आपने इस तरीके से इस डिश को बनाया और सबको खिलाया तो आप पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा जो चीज़ी कॉर्न है, बट अभी हम इस पे करेंगे बटर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा बटर हम इसमें डालेंगे, थोड़ा बटरी बनेगा ये अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, नमक जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने यहाँ पर टाटा नमक इस्तेमाल किया है इसको बेक करने के लिए। कोई भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टाटा नमक ही इस्तेमाल करें। बेक करने के लिए हम किसी भी तरह के नमक को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये गर्म हो गया है, हम इसके अंदर स्टैंड रख दिया है हमने इसके अंदर, और अब हम हमारी इस डिश को इसके अंदर बेक होने के लिए रख देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बेक होने के लिए चल पड़ी हमारी जो ये डिश है। हम इसको कवर करते हैं ढक्कन के साथ, इस तरीके से हमने कवर कर दिया। गैस को कर दिया हमने सिम, और अब हम इसको कवर करके चलते हैं, 10 मिनट तक वेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा चीज़ी कॉर्न है वो तैयार हो गया है खाने के लिए, और अब हम इसमें डालेंगे सॉस। हम इसमें सॉस डालेंगे। ये अच्छे से बेक हो चुका है, तो चलिए सर्व करते हैं इसको। इसको सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मग, एक कप, और इसको हम स्पून की सहायता से इस तरीके से हम इसको इसमें सर्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे चीजी कॉर्न्स, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बने हैं। देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यमी है, और खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है इस तरीके से। देखिए इसको हम इस तरीके से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बने हैं। अपने घर पे ज़रूर बनाएं, बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। इंजॉय करें इसे बना के घर पे, और कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।